हाँ तो नौ नौ नवधा भक्ति यानी नौ तरह की भक्ति, और उसके उसको तीन भागों में बांटा गया है। वो किस तरह से कि श्रवण कीर्तन स्मरण यानी कि ईश्वर का स्मरण करना है, उनकी आराधना कीर्तन करना है, और बोलो क्या करना है। पहले तो कानों से श्रवण मतलब सुनना। जैसे हम लोग क्या करते हैं, कुछ कथा सुनते हैं, ईश्वर के बारे में प्रवचन सुनते हैं, वो श्रवण है। कीर्तन यानी खुद उसमें कीर्तन सुनो या खुद करो, एक ही बात है। स्मरण यानी उनको याद करना, उनके बारे में सोचना। दूसरा एक ग्रुप है पाद सेवन, अर्चन और वंदन, माने तीनों एक ही तरह की चीज है। पैरों की सेवा करना यानी कि उनके प्रति समर्पित होना, उनके शरण में चले जाना। अर्चन यानी कि उनकी आराधना करना। वंदन भी वही है, सर झुकाकर वंदन करना। यानी उनको तीनों का उद्देश्य है कि सिर्फ थोड़ा सा रूप अलग है, और बाकी तीन बचा दास्य सख्य और आत्मनिवेदन। यानी दास्य भाव से सेवा करना, भक्ति करना, सख्य भाव से साथ साथ में रहकर, और आत्मनिवेदन यानी अपने आप को अपनी गलतियों को मानकर, अपनी अच्छाइयों को गलतियों को सबको स्वीकार करके अपने आप को ईश्वर के हाथों सौंप देना। ये है नवधा भक्ति। और दूसरा जो बात उन्होंने बताई कि पुष्टि वहां पर दूसरी भक्ति के भी जो है, बाकी भक्ति में भी बातें यही होती है, सिर्फ थोड़ी सी नाम बदल जाते हैं। तो वो भी हमें सूरसागर में वल्लभाचार्य से पहले हमें सारी भक्तियों के दर्शन मिलते हैं। उन्होंने सबको अपनाया था, लेकिन पुष्टि मार्ग में दीक्षित होने के बाद उन्होंने सिर्फ पुष्टि मार्गी भक्ति यानी कि तदनुगत प्रोचना को अपनाया। अब कोई प्रॉब्लम है यहाँ ऊपर में भक्ति में? कल हमने यहाँ तक किया था कि गोस्वामी विट्ठलनाथ ने उन्हें पुष्टि मार्गी का जहाज कहा है। विट्ठलनाथ कौन थे बताओ तो? वल्लभाचार्य के पुत्र थे। और अष्टछाप, सूरदास सूरदास को क्या कहा जाता है? अष्टछाप का जहाज भी कहा जाता है। पढ़ा था तुम लोग ने भक्ति काल में, तो वहाँ तुम्हें को याद नहीं है? विट्ठलनाथ के चार शिष्य और वल्लभाचार्य के चार शिष्य को मिलाकर अष्टछाप बनाया गया था, है ना? याद है? हाँ। तो अब हम लोग आगे सूरदास के काव्य में अभिव्यक्ति पक्ष की भक्ति शास्त्र सम्मत पर्यालोचना करने पर प्रतीत होता है कि सूरदास की भक्ति भावना गुरु गंभीर है। भक्ति के दो प्रकार बतलाए गए हैं, रागानुगा और वैधि। इनमें से सूरदास के काव्य में रागानुगा भक्ति, रागानुगा भक्ति यानी कि प्रेमा भक्ति, प्रेम के रस में डूबी भक्ति, और वैधि भक्ति होती है जिसमें पूजा कीर्तन आराधना सिर्फ वही होती है। और छापा तिलक वैधि भक्ति मतलब जो हम लोग वैष्णव भक्ति यानी कि हम सब जगह पूजा अर्चना करते हैं, छापा तिलक आदि लगाते हैं। लेकिन रागानुगा प्रेम भक्ति जो अपने अंदर प्रेम समर्पित होता है उसको रागानुगा भक्ति कहते हैं। प्रेमा भक्ति यानी भक्ति और प्रेम जब एक साथ होता है तो उसे रागानुगा भक्ति का नाम देते हैं। उन्होंने भगवान के प्रति अपनी परानुरक्ति एवं परम प्रेम की बार बार अभिव्यंजना की है। भक्ति के प्रसिद्ध ग्रंथ भक्ति रसामत सिंधु में भक्ति के पांच विशिष्ट भाव माने गए हैं। क्या क्या? श्रृंगार, वात्सल्य, दास्य, सख्य और शांत। ये पांचों उनको उनमें मिलते हैं। तुम लोगों को पता है श्रृंगार मिलता है, वात्सल्य मिलता है, दास्य और सख्य। और शांत का मतलब होता है विराग। जब हमको इस संसार से विराग हो जाता है, संसार को छोड़कर हम सिर्फ ईश्वर में अपने आप को बसा लेते हैं या ईश्वर के प्रति समर्पित हो जाते हैं, उसे शांत रस कहते हैं। सूरदास के काव्य में पांचों प्रकार की भक्ति का निरूपण मिलता है। गोपियों के साथ की गई विभिन्न लीलाओं में श्रृंगार, कृष्ण के बाल वर्णन में वात्सल्य, विनय के पदों में दास्य, ग्वाल बाल प्रसंगों में सख्य, और सांसारिकता से विरक्ति के भावों में शांत भाव की भक्ति को समझना चाहिए। ये पांचों भक्ति समझ में आ गई? कौन कौन सी बोलो? श्रृंगार, वात्सल्य, शांत और दास्य। ठीक है, तो पांचों हमको उसमें मिलती है। नारद भक्ति सूत्र भक्ति का एक प्रसिद्ध ग्रंथ है। उसमें भक्ति के क्षेत्र में 11 आसक्तियों का आख्यान किया गया है। 12 आसक्तियां मतलब कि 11 आसक्तियां यानी 11 जो
लालच इस संसार में होते हैं जिनको हमको, और ईश्वर के प्रति वो हमको ये सारी आसक्ति हमको ईश्वर के प्रति करनी चाहिए और सांसारिक मोह माया से हटा लेनी चाहिए। ये आसक्तियाँ क्या क्या है? गुण महात्म में आसक्ति, मतलब ईश्वर के गुणों और महत्ता के प्रति आसक्ति करनी। रूप आसक्ति, मतलब ईश्वर के रूप के प्रति हमको आसक्ति हो। पूजा आसक्ति, मतलब पूजा के माध्यम से हम उनके प्रति इतने जुड़ जाएं कि हमको उसके अलावा और कुछ न दिखे। दास्य आसक्ति, साख्य आसक्ति, ये सब समझ में आ रहा कि सख्य भाव से प्रेम पूजा करना या प्रेम करना, भक्ति करना, दास्य भाव से भक्ति करना। वात्सल्य आसक्ति, वात्सल्य के हिसाब से ईश्वर से जुड़ जाना। आत्मनिवेदनाशक्ति, कि अपने आत्मनिवेदन की मुझे आप पार लगाइए, मैं आपकी शरण में हूँ, मुझे इस भवसागर से पार लगाइए। तन्मया शक्ति, उनके प्रेम में डूब जाना, भक्ति में तन्मय हो जाना। परम विरहा शक्ति, कि उनके बिना विरहित महसूस करना कि संसार में कुछ नहीं है, अगर वो ना मिले तो मेरा जीवन बेकार है। कांता शक्ति, यानी प्रेम के बंधन में मरना। स्मरणा शक्ति, कि उनको रात दिन स्मरण करते रहना। ये तुम्हें याद करना पड़ेगा, पर 11 आसक्तियाँ समझ में आ गई। ये सभी आसक्तियाँ सूर्यद्वार द्वारा निरूपण भक्ति में मिल जाती है। इनमें से वात्सल्य शक्ति और कांता शक्ति के सूर में प्रधानता है। मतलब वात्सल्य शक्ति और कांता शक्ति का मतलब होता है श्रृंगार शक्ति, श्रृंगारा शक्ति, मतलब श्रृंगार के रूप में, प्रेम के रूप में ईश्वर को पाना या समझना। कृष्ण के शिशु रूप, बाल रूप और किशोर रूप के जो रसमय और भाव भिन्न चित्र सूर ने उकेरे हैं, उनमें वात्सल्य आसक्ति है। गोपियों के अनुराग से परिपूर्ण सूर सागर कांता शक्ति का उदाहरण है ही। इस प्रकार सूरदास के काव्य में भक्ति भावना का सांगोपांग, मतलब सभी अंगों का, चाहे वो वात्सल्य हो, बाल रूप हो या किशोर रूप हो, प्रेम रूप हो, सबका, पूरे अंगों का निरूपण देखने में आता है। इस प्रकार सूर की भक्ति भावना का अध्ययन करने पर पता चलता है कि सूर ने सखा भाव की भक्ति को अपनाते हुए भी यशोदा नंद के वात्सल्य भाव, राधा एवं गोपियों के माधुरी भाव एवं दाम्पत्य प्रेम, दाम्पत्य प्रेम यानी पारिवारिक प्रेम, दाम्पत्य प्रेम का मतलब होता है, यानी कि यहाँ एक स्वस्थ प्रेम की सुंदर अभिव्यंजना की है, जिसमें अनुभूति की गंभीरता एवं रमणीयता के साथ साथ मधुरा रति, मधुरा रति यानी प्रेम रति, प्रेम और श्रृंगार की भावना की अभिव्यक्ति में अत्यधिक तल्लीन एवं तन्मय दिखाई देते हैं। उनकी यह तल्लीनता एवं तन्मयता गोपियों की दाम्पत्य भाव की भक्ति के निरूपण में पराकाष्ठा यानी सबसे ऊपर पहुंच गई है, पराकाष्ठा पर पहुंच गई है। इसीलिए सूर की भक्ति भावना में पुष्टि मार्गीय प्रेम लक्षणा शक्ति का ही प्राधान्य, प्रेम लक्षणा यानी प्रेम और भक्ति की शक्ति को प्रधानता देना। भक्ति भावना खत्म हो गया है। अब अगर भक्ति भावना में तुम्हें कोई डाउट है, अगर अभी ना भी समझ में आ रहा है तो पढ़कर रखना और मुझे अगले दिन पूछ लेना, ठीक है? ठीक है। आज मैं वात्सल्य निकालो, वात्सल्य करवा रही हूँ। वात्सल्य तो तुम लोगों को समझ में आ गया था काफी कुछ, निकाल लिया तुम लोगों ने? हेलो, जीवन का मूलाधार प्रेम है। यह प्रेम संसार में पशु पक्षी मानव आदि सभी प्राणियों में पाया जाता है और इसके विभिन्न रूप दृष्टिगोचर होते हैं। इस तरह वात्सल्य भाव प्रेम का एक वह प्रकार है जिसमें किसी छोटे व्यक्ति के प्रति निश्चल एवं निष्कपट प्रेम की भावना रहती है, अथवा जिसमें किसी भोले भाले शिशु को देखकर हमारा हृदयोदधि यानी हृदय रूपी सागर प्रेम तरंगों से व्याकुल हो उठता है और हम अनायास उसकी ओर आकृष्ट हो उठते हैं। वात्सल्य ही प्रेम की अनंत निर्मल एवं पवित्र स्थिति है। इसमें सहज सुकुमार बालक की सामाजिक चेष्टाओं, कौतुक की क्रीड़ाओं, कौतुक मतलब समझते हो, जिसमें हम लोगों को बहुत आश्चर्य होता है, बच्चों की बहुत सारी क्रीड़ाएं, उनके कर्तव्य देखकर हम लोग क्या करते हैं, आश्चर्यचकित हो जाते हैं। कौतुक की क्रीड़ाओं एवं अटपटे कार्यों का प्राधान्य रहता है और इसके अंतर्गत एक स्वर्गीय एवं नैसर्गिक यानी कि ईश्वरीय प्रेम की धारा प्रवाहित रहती है। नैसर्गिक मतलब जो कभी खत्म ना हो और स्वर्गीय यानी स्वर्ग के समान आनंद देने वाला। ये पैराग्राफ समझ में आया कि एक बालक के प्रति
चाहे वो किसी की भी, उसके माता पिता या स्वजन परिजन पारिवारिक सदस्य, यहाँ तक कि वृद्ध कोई पड़ोसी, उनकी भी जो प्रेम भावना होती है उसको वात्सल्य कहते हैं। यहाँ किस वात्सल्य का वर्णन है? कृष्ण और यशोदा नंद तथा ब्रज के सारे वृद्ध एवं स्त्रियों पुरुषों के जो प्रेम है उनके प्रति, उसका वर्णन है। और इस वात्सल्य का मूल आधार क्या होता है कि बालक की क्रीड़ाएं, बालक का हंसना रोना, बालक का चलना फिरना। तुम लोगों ने बाल लीला के पदों में पढ़ा कि यशोदा माता इतनी प्रसन्न होती है, उसको दूध पिलाकर, उसे लोरी सुनाकर, उसके घुटने के बल चलते हुए देखते कर। और बहुत सारे पद यहाँ पे नहीं है, जैसे माखन चोरी के या कृष्ण के अटपटी बातें करने की कि कहते हैं, एक पद तुम लोग बहुत फेमस है जो तुम लोगों ने सुना भी होगा कि जब वो चोरी करते पकड़े जाते हैं तो कहते हैं कि मैया मैं नहीं माखन खायो, ख्याल पड़े ये सखा सब मिले मेरे मुख लपटायो। कि यशोदा माता ऐसी ऐसी बातें बच्चे कहते हैं जिससे कि हंसी आ जाती है कि मुझे याद पड़ता है कि इन लोगों ने मेरे मुंह पर लगा दिया है। तो यशोदा भी अंत में हंसकर डंडा फेंक कर मारना छोड़ देती है। ये वात्सल्य रस का वर्णन है जो सूर ने किया है। सूर ने इस वात्सल्य भाव का वर्णन अत्यंत मार्मिकता एवं सजीवता के साथ किया है। सूर के अंतर्गत वात्सल्य भाव की अनुभूति अत्यंत गहन एवं गंभीर दिखाई देती है, इसलिए सूर का वात्सल्य वर्णन हिंदी साहित्य के क्षेत्र में सर्वथा अनुपम एवं अद्वितीय माना जाता है। इसी कारण आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने आगे होने वाले कवियों की श्रृंगार और वात्सल्य की उक्तियां सूर की झूठन जान पड़ती है। आचार्य शुक्ल को, शुक्ल ने नहीं होगा, आचार्य शुक्ल को आगे होने वाली कवियों की श्रृंगार और वात्सल्य की उक्तियां सूर की झूठन जान पड़ती है। मतलब बाकी जो लोगों ने लिखा है वो सूर की ही बातों की पुनरावृत्ति की है, कोई नई बात नहीं की है। कहकर सूर की प्रशंसा की है, नहीं ठीक ही है, आचार्य शुक्ल ने कहकर सूर की प्रशंसा की है। डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी ने लिखा है कि यशोदा के बहाने सूरदास ने मात्र हृदय का ऐसा स्वाभाविक सरल और हृदयग्राही चित्र खींचा है कि आश्चर्य होता है। ये इसके आगे और भी कोटेशन हम लोगों को मिलता है, जैसे कि यशोदा में मानो पूरी विश्व माता के हृदय के दर्शन हो जाते हैं। इसी तरह अनेक आलोचकों ने सूर के वात्सल्य वर्णन की सराहना की है। इसमें कोई संदेह नहीं कि सूर ने श्री कृष्ण की बाल सुलभ चेष्टाओं, मनोहर लीलाओं एवं रमणीय बाल क्रीड़ाओं का हृदयग्राही एवं प्रभावशील वर्णन किया है। सूर का वात्सल्य वर्णन अत्यंत विशद एवं गंभीर है। इसका सम्यक अध्ययन करने के लिए दो भागों में विभक्त किया जाता है, वात्सल्य का संयोग पक्ष एवं वात्सल्य का वियोग पक्ष। जैसे श्रृंगार में होता है, यहाँ भी संयोग पक्ष और वियोग पक्ष है। जब वो माता के साथ हैं तो संयोग पक्ष, और जब वो मथुरा चले जाते हैं, माता से दूर हो जाते हैं, तो वियोग पक्ष। संयोग पक्ष के पद तुम लोगों ने पढ़े हैं, यशोदा हरिपाल ने झुलावे या किलकत कान गुटुरनिमनी आवत, ये सब संयोग के पद हैं। और बहुत सारे पद तुमको मिलेंगे जो तुम्हारी किताब में भी शायद हो या फिर नेट पे भी मिलेंगे, जहाँ वो कहता है मैया चंद्र खिलौना ले हो, मैया मोरी चंद्र खिलौना ले हो, या धोरी को वो तुम कहती थी अब दूध धोरी को पान न करियो, तुम कहती थी कि छोटी बढ़ जाएगी दूध पीने से लेकिन ये तो अब तक छोटी है, ये सारी बातें संयोग में आएगी। इसी तरह इन दोनों पक्षों को भी कई भागों में विभक्त किया गया है। सूर ने बालकों की सहज मनोवृत्तियों के स्वाभाविक चित्र अंकित करते हुए वात्सल्य के संयोग पक्ष का बड़ा ही मार्मिक एवं मनोहारी वर्णन किया, जो इस प्रकार है। सूर ने बालक कृष्ण की रूप माधुरी के दिव्य एवं अलौकिक चित्रों द्वारा बड़ी ही सजीवता के साथ अंकित किया है। सूर के बाल छवि वर्णन का स्वाभाविक चित्ताकर्षण, जैसे वर्णो बाल वेश मुरारी, तुम इसको कुछ भी पद दे सकते हो कि बालक का अन्न प्रसन्न हो रहा है, या बालक के मुख में बालक के लिए बधाइयां बांटी जा रही है, या घुटरुन चलत रेणुतन मंडित, वो भी उसकी सुंदरता का वर्णन है कि वो घुटनों के बल चलते हुए धूल दूसरित मुंह में इतने सुंदर लग रहे हैं, या कमल के उदाहरण देकर उनकी सुंदरता का वर्णन किया गया है। ये तुम लोग दूसरा पद भी लिख सकते हो जो तुम्हारे सिलेबस में है, ठीक है। आदि पदों में सूर्य ने कृष्ण के अलौकिक एवं अद्भुत रूप की रमणीय झांकी अंकित की है, जिसे देखते ही मन बाल कृष्ण के सहज सौंदर्य में लीन होकर उनकी रूप माधुरी का पान करने लगता है।
सूर्य ने कृष्ण के बाल सुलभ चेष्टाओं एवं विविध क्रीड़ाओं के भी अत्यंत स्वाभाविक एवं मनोमुग्धकारी चित्र अंकित किए हैं। जैसे एक चित्र माखन खाते हुए बालक कृष्ण की उन चेष्टाओं का है जिनके परिणाम स्वरूप उन्हें माखन के साथ ब्रजराज से सुशोभित देखा जा सकता है। शोभित कर नवनीत लिए गुटरुनी चलत रेणु तन मंडित मुक्तधि लेप किए। पालने में शयन करते श्री कृष्ण की स्वाभाविक बाल चेष्टा का यह चित्र बहुत चित्ताकर्षक है। प्रभु पौड़े पालने अले अकेले हरसी हरसी अपने रंग खेलत, मतलब वो अकेले अकेले ही पालने में झूलते हुए खेल रहे हैं और अपनी क्रीड़ाओं को देखकर हर्षित हो रहे हैं। यहाँ पर तुम यशोदा हरि पालने झुलावे पद को भी दे सकते हो इसके अलावा, कि जब वो कहते यही अंतर अकुलाई उठे हरी यशोदा, यही अंतर अकुलाई उठे हरी यशोदा मधुर गावे। वो क्या है, बच्चे की एक चेष्टा है कि माता जैसे हटने लगती है तो वो फिर से बताने लगते कि मैं सोया नहीं हूँ, मतलब माता मेरे पास से मत जाओ। ये भी बाल चेष्टा का ही वर्णन है। ऐसे ही श्री कृष्ण की किलकारी भरी हंसी एवं मणि जड़ित आंगन में अपने प्रतिबिंब को पकड़ने के दौड़ते समय का चित्र बड़ा ही हृदयग्राही है। किलकत कान गुटुरवनी आवत, यहाँ पूरा पद नहीं लिखा, तुम कोई भी दो पंक्तियाँ कोट कर सकते हो। उक्त सभी वर्णन ऐसे हैं जिनमें सूर ने बालकों की स्वाभाविक चेष्टाओं एवं क्रीड़ाओं के साकार रूप प्रस्तुत किए हैं। सूर ने बालकों की हृदय मनोभावों बुद्धि चातुर्य स्पर्धा, यानी कि एक दूसरे से जलन, वो कहते हैं कि ये बालक मुझे बहुत खिजाते हैं, तुम चाहे बलदेव की को सौगंध खिलाकर पूछना। ये क्या है, बच्चे समझते हैं कि अगर सौगंध नहीं दिलाई तो झूठ बोल देंगे। खीज प्रतिद्वंदता, अपराध करके उसे छिपाने एवं उसके बारे में कुशलता के साथ सफाई देने की प्रवृत्ति आदि के भी बड़े ही हृदयग्राही चित्र अंकित किए हैं। जैसे कृष्ण ने माखन चुरा कर खा लिया और वे रंगों हाथों पकड़े भी गए क्योंकि उनके मुख पर मक्खन लगा हुआ है, परंतु यशोदा के डांटने पर कृष्ण कैसी मधुर सफाई दे रहे हैं कि मैया मैं नहीं माखन खायो, ख्याल परे ये सखा सबे मिले मेरे मुख लपटायो। सूर ने बालकों से संबंधित संस्कारों उत्सव एवं समारोहों का वर्णन करते हुए भी वात्सल्य भाव की अभिव्यक्ति की है, क्योंकि नामकरण वर्षगांठ आदि के अवसर पर माता पिता के हृदय में जो सहज उत्साह एवं स्वाभाविक प्रेम उमड़ने लगता है, सूर की अंधी आंखों से यह भी छिपा नहीं है। सूर के कृष्ण के अन्न प्राशन के अवसर पर नंद के घर की दशा वो बताते हैं। आजु कान करिए अन्न प्राशन, मणि कंचन के धार थार भराए भांति भांति के मासन, मतलब आज अन्न प्राशन के दिन क्या हुआ है, कंचन सोनों के थालों में बहुत तरह की मिठाइयां आदि बनकर तैयार हो रही है। कृष्ण के वर्षगांठ के अवसर पर यशोदा कहती है, अरे मेरे लालन की आज वर्षगांठ, सबे सखी को बुलाई मंगल गान कराओ, कि आज मंगल गान करना है, मेरे बेटे की आज वर्षगांठ है। सूर ने उक्त वर्णनों के अतिरिक्त कृष्ण के गोदोहन के लिए मचलने, गोचारण के लिए वन में जाने की हट करने, वन में माता द्वारा छाक भिजवाने, गोओं को धोने आदि का वर्णन करके वात्सल्य भाव की जो बहुत ही सुंदर अभिव्यक्ति की है। सूर ने श्रृंगार रस की भांति वात्सल्य के वियोग पक्ष का भी अत्यंत हृदय द्वारक वर्णन किया, जो इस प्रकार है, वियोग वात्सल्य की सबसे सुंदर झलक श्री कृष्ण के मथुरा गमन पर अंकित की गई है। उस क्षण ऐसा जान पड़ता है मानो सूर स्वयं यशोदा के रूप में अपनी आंखों से आंसू बहाते हुए रो रहे हों और उनके प्रत्येक शब्द से वात्सल्य का अजस्र स्रोत उमर पड़ा हो। जब कृष्ण जाते हैं तो ऐसा यशोदा कहती है कि क्यों नहीं मेरी छाती फट गई, क्यों नहीं मैं गिर कर मर गई कि मेरे कृष्ण मुझे छोड़ के जा रहे हैं, फिर भी मैं जिंदा हूँ। ये एक इतना हृदयघारी वर्णन सूर ने किया है कि यशोदा के साथ साथ सभी माताओं का हृदय रो पड़ता है। सूर ने यशोदा के मातृ हृदय की वात्सल्यमयी झांकी उस समय भी बड़ी तन्मयता के साथ अंकित की है जिस समय नंद अकेले ही मथुरा से लौटते हैं और माता यशोदा उन्हें द्वार पर अकेला खड़ा देखकर क्षोभ के मारे व्याकुल हो उठती है। उस क्षण माता यशोदा के हृदय सतदा होकर वात्सल्य की अनेक धाराओं में फूट पड़ता है। यशोदा कान कान के बुझे की वो बार बार कान्हा को खोजती है कि कान्हा कहाँ है, कान्हा कहाँ चला गया। इसके नीचे और है नोट्स क्या इस पन्ने के बाद? नहीं, इतना ही है। अच्छा, तो मैं तुम लोगों को बाद में दूंगी। इसमें विरह वर्णन और थोड़ा सा ऐड करना पड़ेगा कि एक पद लिख लो तुम लोग कि यशोदा कहती है कि
संदेशों पथिक सो कहियो, देखो संदेशों पथिक सो कहियो, ये टाइप करके तुम लोग नेट में खोजना, ये पद तुम्हें मिल जाएगा। इस पद की व्याख्या मैं कर देती हूँ कि जो पथिक जाता है उसके माध्यम से संदेशा भेजती है यशोदा माता, किसको भेजती है, कृष्ण की माता कौन है, देवकी, देवकी को भेजती है, कहती है संदेशों देवकी सो कहियो, ठीक है। ये पद की प्रथम लाइन है संदेशों देवकी सो कहियो, पथिक को कहती है कि मेरा संदेश देवकी को कहना, क्या बताना कि सुबह सुबह उठकर मेरे बेटे को माखन रोटी अच्छी लगती है, उसके बाद गरम गरम पानी से उसे नहाना अच्छा लगता है। वो ये एक माता के हृदय की चिंता है कि कृष्ण शायद वहाँ पर मथुरा में और अच्छे राशि ठाट बाट से हैं, पर माता का हृदय नहीं मानता है। वो देवकी से कहती है कि मेरे बच्चे को क्या क्या अच्छा लगता है मानो वो भी कर ले। वो कहती है मुझे पता है कि तुम उसकी माता हो, मैं सिर्फ धाय माँ हूँ जिसने पाला, लेकिन मेरा मन नहीं मान रहा कि पता नहीं मेरा कृष्ण किस अवस्था में होगा, इसलिए मैं तुम बुरा मत मानना, मैं उसकी सारी सारी जो इच्छाएं हैं या उसकी जो प्रिय वस्तुएं हैं उसके बारे में तुमको बता रही हूँ। ये एक हर माता के हृदय में होता है कि बच्चा जब दूर होता है तो उसे लगता है कि वो वंचित है, बहुत सी चीजों से माता नहीं कर पा रही, चाहे वो कितनी भी अच्छी तरह रह रहा हो, माता को हमेशा चिंता सताती है कि शायद उसका पुत्र सुख से या ठीक से नहीं है, ठीक से खाता नहीं होगा। तो ये सारी जो बेचैनियां, ये विरह वर्णन, यशोदा इतनी बेचैन और विरहित है कि उसके कृष्ण के बिना उसका एक पल नहीं कटता है। ये पद तुम लोग डाउनलोड करके इसमें कोटेशन के रूप में डालकर, अगर पद की पंक्तियां याद नहीं होती है तो तुम उसका अर्थ भी लिख सकते हो। इस तरह से तुमको एक एंडिंग पैराग्राफ लिखना होगा कि इस तरह से सूर्य के वात्सल्य में संयोग और विरह वियोग दोनों का ही इतना सुंदर वर्णन है, और वात्सल्य के रूप में उन्होंने जो इतना सुंदर वर्णन किया वो सिर्फ हिंदी साहित्य में नहीं बल्कि विश्व साहित्य की अनमोल निधि है। तुम लोग इसको कंप्लीट करके मुझे फिर से पोस्ट करना मेल पर, तो मैं चेक करके दूंगी। अच्छा, तुम लोगों ने डिसाइड किया कि प्रोजेक्ट तुम लोग कौन किस पे करेगा? हाँ, कर लिया। तो तुम लोगों ने तो मुझे बताओगे या मैसेज कैसे करोगे, कौन किस किस पे कर रहा है, बोलते जाओ। मैम हम आकृति भ्रमर गीत की विशेषता पे करेंगे। अच्छा, तो भ्रमर गीत की विशेषता का जो विषय है वो इस तरह से दोगे कि भ्रमर गीत सूर के भ्रमर गीत का वैशिष्ट्य, ठीक है। हाँ, या अन्य भ्रमर गीतों की हाँ मैम, अगर भ्रमर गीत की परंपरा पे करेंगे तो कैसे होगा? भ्रमर गीत की परंपरा पे करोगे तो पहले परंपरा लिखनी पड़ेगी, लेकिन उससे ज्यादा उचित वैशिष्ट्य है, क्योंकि वैशिष्ट्य में कुछ नई बातें तुम जोड़ोगे, परंपरा तो जो लिख गए हैं सिर्फ उसका नाम गिनाना है। अच्छा, ठीक है, ठीक है मैम। विशिष्टता पे या ऐसा भी लिख सकते हो कि सूर की भ्रमर गीत परंपरा में सूर का वैशिष्ट्य। अच्छा, लेकिन दोनों मतलब एक ही है, विषय चाहे तुम कुछ भी लिखो, परंपरा थोड़ी कम लिखना, क्योंकि परंपरा तो सबको मालूम है, वो तो सर्वविदित है और हजारों बार लिखी गई है, लेकिन वैशिष्ट्य में तो तुम कुछ नई बातें लिख सकते हो, अपने तरीके से लिख सकते हो, तो सूर के भ्रमर गीत का वैशिष्ट्य ही ज्यादा उचित है। और तुम कोटेशन तुम लोग नेट से थोड़ा और निकाल लेना, भ्रमर गीत टाइप करोगे तो बहुत सारे पद आ जाएंगे, या किसी के पास सूर की कोई किताब हो सूर्स तो घर पे तो भी मिल सकते, पुराने क्लास 10-12 की कोई किताब हो, ठीक है। हाँ, और नहीं तो सूर सागर या कुछ भी टाइप करोगे तो पद आ जाएंगे, ठीक है। दूसरा, और बाकी लोग किस पे कर रहे हैं, कोई बोल नहीं रहा है, किसी ने डिसाइड नहीं किया है क्या? सुकन्या किस पे कर रही हो तुम? अच्छा,
आज पहले तो ये बताओ कि आज सुकन्या बोलो।